हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं PHP प्रोग्रामिंग सीरीज। और पिछले सेशन में हमने बात की थी कांस्टेंट के बारे में। वहां पर हमने देखा था कांस्टेंट होता क्या है और कांस्टेंट का यूज़ कब करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहले हम बात करें अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस और इनटू, डिवाइड और डबल इनटू, जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर की। तो यहाँ पर मैं एक लेता हूँ डॉलर ए इक्वल्स टू 10। देन यहाँ पर अगेन हम लेते हैं डॉलर बी इक्वल्स टू 20। देन यहाँ पर हम देंगे डॉलर सी इक्वल्स टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी, और ई को हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे डॉलर सी को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया प्लस। सिमिलरली हम माइनस का यूज़ कर सकते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं, डिवाइड का यूज़ कर सकते हैं या डबल इनटू का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा जो हमारे पास जो ऑपरेटर आते हैं वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर होता है। एक होता है इक्वल्स टू, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो इक्वल्स टू जो ऑपरेटर होता है वो वैल्यू असाइन करता है। सपोज़ यहाँ पर हमने डॉलर ए प्लस डॉलर बी, तो ये वैल्यू ऐड होके असाइन होगी डॉलर सी में, मीन्स सी वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी। तो ये हमारा इक्वल्स टू। देन आता है डबल इक्वल्स टू, जो कि कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। देन एक आता है हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर, उसमें हमारे पास होता है प्लस प्लस देन माइनस माइनस। मींस प्लस प्लस जो ऑपरेटर होता है वो इंक्रीमेंटल के लिए यूज़ होता है, मींस एक वैल्यू इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस जो यूज़ होता है एक वैल्यू डिक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, जो कि किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स सपोज़ यहाँ पर हम कोई बात करें स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर लेता हूँ डॉलर डी इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, और देन यहाँ पर हम लेते हैं डॉलर ई इक्वल्स टू हेलो वन। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं ई को, और यहाँ पर हम लेते हैं स्ट्रिंग डॉलर ई प्लस डॉलर एफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी दो स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएगी। तो मीन्स शायद डॉलर डी, सॉरी यहाँ पर हमको डॉलर डी एंड डॉलर ई। तो यहाँ पर अगर हम इस दो स्ट्रिंग को कॉन्केट डॉलर डी प्लस डॉलर ई, यहाँ पर हम देते हैं मैं एक लेता हूँ डॉलर एफ, एक वस्ट हूँ, और यहाँ पर हम देते हैं डॉलर, और यहाँ पर हम डॉलर लेते हैं एफ। शायद हमारा सर्वर डाउन हो गया। 13 डॉलर डी प्लस डॉलर ई, चलो हम इसको बाद में देखते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग होते हैं उसमें कॉन्केट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सॉरी यहाँ पर मैं अगर लेता हूँ इसको मीन्स
एक स्ट्रिंग और एक नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कॉनकेट, या को दो स्ट्रिंग को हम कॉनकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास एंड और वो बेसिकली हम आगे इफ और एल्स में देखेंगे। देन नेक्स्ट आता है बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें जो कि हमारा लॉजिकल सर्किट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 32 बिट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, और उसमें क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल होता है वो बिट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देन बिट के फॉर्म में हमारा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देन वो हमें जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू के रूप में व्यू होता है। तो ये हमारा जो होता है बिट वाइज ऑपरेटर होता है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर है, और अगर आप और इसकी डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप इसकी ऑफिशियल साइट www.php.net उस पर, वहाँ पर आप टाइप करके चेक कर सकते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।